हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम आज की इस क्लास में हम सीखेंगे इंग्लिश के ट्वेंटी फाइव अहम सेंटेंसेस इन सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स डाइव इन सबसे पहले है कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा नोबडी इज हेल्पिंग अस नोबडी इज हेल्पिंग अस दौड़ कर ऊपर जाओ रन अप स्टेयर्स रन अपेयर्स कार में रहो स्टे इन द कार स्टे इन द कार अंदर रहना स्टे इन स्टे इन मैं नहीं कर सकती आई कांट डू इट आई कांट डू इट दूर जाओ गो फार गो फार फार का मतलब होता है दूर और गो कहते हैं जाने को उठ कर बैठो सीट sit अप up. Sit up. सीधे होकर बैठो सीट straight, सीट straight। गौर से सुनो listen केयरफुली listen केयरफुली माफ कीजिएगा एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी मेरा इंतजार करना वेट फॉर मी वेट फॉर मी ये तुम्हारा नहीं है दिस इज नॉट यूअर्स दिस इज नॉट यूअर्स फिर से देखो लुक अगेन लुक अगेन यहां ध्यान दो फोकस हेयर फोकस हेयर इसे संभालो हैंडल दिस हैंडल दिस मुझे इजाजत दो अलाउ मी अलाओ मी अलाओ का मतलब होता है इजाजत देना हमेशा के लिए फॉर एवर फोर एवर ये तुम्हारे लिए है दिस इज फॉर यू दिस इज फॉर यू पता लगाओ फाइंड आउट फाइंड आउट कम अज कम एट लीस्ट एट Least, कोई शक नहीं नो डाउट नो डाउट ऐसा क्यों वाई सो वाई सो कुछ नहीं नथिंग नथिंग एक और वंस मोर वंस मोर सो दोस्तों ये थी आज की क्लास उम्मीद करता हूं इस क्लास में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा तो किसी और क्लास में फिर मिलते हैं जब तक के लिए अल्लाह हाफिज अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा